अब मुझे क्या करना है, एक प्रोग्रामिंग लिखनी है। प्रोग्रामिंग लिखनी ये है कि मैं यहाँ पे नेम लिखूं, सिटी लिखूं, अमाउंट लिखूं, और जब सेव पे क्लिक करूं तो ये डेटा डेटा मेनू बार में जाए, डेटा शीट पे जाए, एक एक ऑटोमेटेड आईडी को क्रिएट करे, जिस समय मैं टाइप कर डेटा भेज रहा हूँ उस समय का डेट एंड टाइम डाले, और साथ में जो नेम सिटी अमाउंट जो सीट फॉर्म वाले शीट पे है वो उठा के उसके अंदर डाल दें, और हर बार एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एंट्री करें। ओके, तो जी सर, प्रॉब्लम समझ में आ गया आपको क्या करना है? बहुत अच्छी चीज है, ध्यान से देखिएगा। हालांकि ये बेसिक पार्ट है, इसका एडवांस पार्ट और भी ज्यादा अच्छा होगा। तो ओके सर, यहाँ पे मैं ड्यूअल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि आप दोनों देख सके। ठीक है। इसके बाद इन सब मॉड्यूल्स में गए और यहाँ पे हम एक सब्जेक्ट लेते हैं, यहाँ पे सेंड नाम का, कुछ भी नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटा सीट के अंदर आईडी देना है। सबसे पहले आईडी जनरेट करना होगा, तो यहाँ पे हमने लिखा आईडी इक्वल टू, अब जैसे कि आईडी ऑटोमेटिक जनरेट कैसे होगा, तो उसके लिए यहाँ पे हम मैक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि मैक्स, और मैक्स के फॉर्मूला जो आएगा वन आया उसमें हम प्लस वन कर देंगे, मतलब फर्स्ट टाइम आईडी जो कि वन होगी, जैसे यहाँ पे वन डल जाएगी तो अगली बार टू होगी, टू डल जाएगा तब थ्री होगी, तो यहाँ पे हमेशा एक नया नेक्स्ट नंबर दिखाता रहेगा। कैसे? जस्ट मैक्स से। अब प्रॉब्लम ये आता है कि हम क्या मैक्स फॉर्मूला को वीवीए में लगा सकते हैं? देखिए एक्सेल के बहुत सारे वीवीए में सपोर्ट करते हैं डायरेक्ट, कुछ इनडायरेक्ट, तो मैक्स डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता है। ये बात मुझे कैसे पता चली? अगर डायरेक्ट सपोर्ट करता तो मैक्स के नीचे अंडरस्कोर लग के आता, एक्सप्रेशन मतलब क्या आता, मतलब तो जैसे हम लेन लगाते हैं तो यहाँ पे देखिए नीचे एक्सप्रेशन आ गया, बट मैक्स में नहीं आता। जो फॉर्मूला डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग करते हैं एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट मैक्स, और फिर इसके अंदर हम देते हैं शीट्स शीट्स, और इसके अंदर हम देते हैं डेटा, और फिर हम रेंज, क्योंकि मैक्स को तो रेंज चाहिए तो रेंज देते हैं, मतलब फॉर्मूला हम एक्सेल का लगा रहे हैं लेकिन जो रेफरेंस देंगे वो वीवीए मेथड से देंगे, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये मैक्सिमम नंबर निकाल के दे देना। अब मुझे आप एक कॉलम में डालना है, तो मैं यहां लिखता हूं रेंज 65,000 पे जाए डॉट एंड एक्स लेस अप डॉट ऑफसेट, और यहाँ पे 1,0 डॉट वैल्यू इक्वल टू आईडी प्लस वन। ठीक है, ठीक ये है क्या सर, करेगा, यहाँ ऑफसेट पे 65,000 पे जाएगा, ये 65,000 पे, और नीचे से ऊपर जाएगा, और फिर ऑफसेट क्या कर रहा है, एक रो नीचे लेके आ रहा है, क्योंकि तो यहाँ पे ऑफसेट में रो एंड कॉलम होता है, तो हमें रो को नीचे लाना है, तो रो को नीचे लाएगा, और यहाँ पे आईडी प्लस वन के जीरो है फर्स्ट टाइम, जीरो प्लस वन आएगा, लेकिन किस सीट का, क्योंकि सीट का रेफरेंस तो दिया नहीं मैंने, तो इसके लिए आगे हमें सीट्स का नाम देना होगा, जैसे कि हमने यहाँ डेटा दे दिया। आया समझ में? हाँ सर, आ गया। किसी को डाउट इसमें? नहीं सर, नहीं। ठीक है, अब इसी को यहां से हम कॉपी करते हैं, इसी लाइन को नीचे पेस्ट करते हैं, पेस्ट करने के बाद यहां जीरो हो जाएगा और ए वन हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि तो इस बार मुझे डेट डालना है, इससे ऐसा इसलिए कि जब यहाँ ए 65,000 होगा अब की बात इस लाइन तक, इस लाइन पे पहुंचेगा तो ऑलरेडी यहाँ वन हो चुका है ना सर, जी अगर रो नीचे आएगा तो फिर अगली डे कॉलम से जाएगा, तो मुझे अगले कॉलम में डेटा डालना है ना सर, तो वन तो डाल चुके हम, इसलिए हमने बोला कि भाई रो जीरो होना चाहिए कॉलम वन होना चाहिए। ठीक है, जी इसी पे यहाँ पे हम करते हैं कॉलम टू, और डेट के जगह पे हम करते हैं टाइम, फिर यहाँ पे सर, बोलिए इसमें जो डेट डालते हैं सर, तो इसमें टुडे वाला फॉर्मूला ही लगाते हैं। नहीं, डेट है टुडे का फॉर्मूला, यहाँ डेट बन जाता है, अच्छा
अब यहां पे हम डालते हैं रेंज और नेम के लिए, हमने यहां पे डेट टाइम डाल दिया, हम नेम डी कॉलम पे आ गए, नेम तो नेम कहां है सी थ्री पे, तो रेंज सी थ्री डॉट वैल्यू, ठीक है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि सर यहां आपने डेटा शीट दिया है ना जी, बट यहाँ पे आपने शीट का नाम नहीं दिया, हालांकि यहाँ पे भी आप शीट्स और यहाँ पे आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। डॉट रेंज, या देखिए डॉट रेंज और ये आपका डी फाइव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा करना जरूरी नहीं है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो माइक्रो है ये रन होगा एक बटन पे क्लिक करने से, सेव बटन पे क्लिक करने से, और सेव बटन पे क्लिक करने के लिए हमें फॉर्म पे तो जाना ही पड़ेगा ना सर जी, तो फॉर्म एक्टिव है, तो जब एक्टिव फॉर्म है तो रेंज सी थ्री कर देंगे तो ऑटोमेटिकली सी थ्री का लेगा वो जी, इसलिए डालने की जरूरत नहीं है। अब थ्री की जगह पे मैं फोर कर देता हूं और सी थ्री की जगह पे सी सिक्स कर देता हूं, और वापस हम इसको कॉपी करते हैं, यहां पे फाइव हो जाएगा और ये हो जाएगा सी नाइन, ठीक है। और यहां पे एम एस जी बॉक्स के अंदर हम देंगे डेटा, ठीक है। अब एक ट्राई करते हैं, यहां पे पहले हम डेटा शीट को खाली कर देते हैं। अब यहां पे मैंने यहां पे दिया पूजा, सिटी दिया मैंने यहां पे मान लीजिए पुणे, अमाउंट दिया मैंने यहां पे 500। अब मैं यहां सेव पे क्लिक करता हूं, लेकिन सेव पे क्लिक करें तो कुछ हो नहीं रहा क्योंकि मैंने इस माइक्रो को असाइन नहीं किया, क्योंकि हमने कोई बटन फॉर्म बटन नहीं लिए हुए, हमने एक सेव डिजाइन किया हुआ है जी जी जी, तो इसके ऊपर मुझे अपना माइक्रो असाइन करना पड़ेगा। सिलेक्ट करके राइट क्लिक कीजिए और यहीं पे आएगा आपको असाइन माइक्रो, ठीक है जी, और यहां से अपना माइक्रो सिलेक्ट कर लीजिए। अब मेरा माइक्रो इसी से रन होगा, क्लिक किए डेटा सेव, ओके डेटा शीट में देखिए आपका डेटा सेव हो चुका है करेक्ट फॉर्मेट में जी। बट यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई कि मेरा डेटा खाली नहीं हुआ सर जी। सर तो खाली करने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना है रेंज सी थ्री कॉमा सी सिक्स कॉमा सी नाइन डॉट क्लियर कंटेंट। अब देखिए मैंने यहां पे मल्टीपल सेल्स दिया हुआ ना सर जी, तो ध्यान रखिएगा ये सेल जो मल्टीपल आपने दिया है वो क्या नहीं होना चाहिए, मर्ज नहीं होना चाहिए। अगर ये मर्ज होगा ना सर तो फिर आपको वन बाय वन करना पड़ेगा कि पहले सी थ्री डॉट क्लियर क्लियर कंटेंट्स सी सिक्स कंटेंट, माने कि वन बाय वन लिखना पड़ेगा, इकट्ठा नहीं लिख पाइएगा जी जी। अब मैं यहाँ पे दूसरा नाम देते हैं, यहाँ पे हम देता हूं नाम मान लीजिए देव, देव सिटी है एमयूजेड, अमाउंट है मान लीजिए 600। अब मैं सेव पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे डेटा सेव, जैसे ओके करता हूं ये देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया ओके। और डेटा शीट पे जाके देखिए दो नंबर इसके नीचे डाल दिया। अब जो भी एंट्री हम करेंगे यहाँ पे ओम, तो एक के नीचे एक एंट्री करेगा, ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर जी। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मैंने यहां पे इंदर लिखा और एंटर प्रेस किया तो कर्सर यहां आ रहा है, कर्सर डायरेक्ट यहां आना चाहिए ना सर जी। इसके लिए आपको फॉर्म पे राइट क्लिक करना है और जाना है इस पे प्रोटेक्ट पे, लेकिन उससे पहले आपको कंट्रोल प्रेस करके तीनों सेल जहां पे आपको फिल करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल में और फिर जाइए एक्शन और लॉक को अनचेक कर दीजिए ताकि पासवर्ड डालने के बाद इस पे हम कुछ टाइप कर सके जी सर।
उसके बाद राइट क्लिक करके फॉर्म के ऊपर प्रोटेक्ट कीजिए, लेकिन प्रोटेक्ट करते समय सिलेक्ट लॉक सेल को अनचेक कर दीजिए, ठीक है। पासवर्ड डालिए, एन ओके कर दीजिए। अब मैं यहां पे लिखता हूं किंदार और एंटर प्रेस करता हूं, तो देखिए कर्सर डायरेक्ट चला गया, जी सर। डायरेक्ट चला गया, ठीक है। अब बटन पे क्लिक होगा, हाँ क्लिक हो रहा है, ठीक है सर। जी सर जी, कीबोर्ड से बटन पे क्लिक नहीं कर सकते क्या? नहीं, कीबोर्ड से फिर इस पे इसके इस पे आते हैं ना, टैब का यूज करना पड़ेगा ना सर? एक मिनट देख लेता हूँ मैं, प्रोटेक्ट की और मैं यहाँ पे एडिट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नहीं यार, ठीक है सर, ठीक है, ओके। विदाउट डाउट सर। नहीं सर, मतलब आप चाहते हैं कीबोर्ड से चला जाए, तो उसके लिए आप चौथा स्लाइड एंटर शॉर्टकट बना सर, दीजिए। ऐसा हो ना कि चौथा एंटर सीधे उसी बटन पे ले जाए ना सर, शॉर्टकट नहीं नहीं जा सकता, बना सकते सर ना? हाँ शॉर्टकट बना सकते हैं आप। एक काम कर सकते हैं कि आप डेवलपर में जाइए, माइक्रोस पे जाइए और यहाँ पे कोई शॉर्टकट बना दीजिए जी हाँ कंट्रोल सर, के साथ, ठीक तो है। सर हाँ ठीक है सर, तो वो बटन पे क्लिक नहीं होगा, बट शॉर्टकट यूज होगा उसका फिर। जी सर मैंने ये बनाया था आज एक चेंजिंग के लिए सर, लेकिन वो हुआ नहीं। आप इस डेटा पे क्लिक करना सर, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ डेटा शीट पे। सर इस पे मैंने टेबल्स लगाई थी, टेबल्स में बॉर्डर लभी लगाया था, तो मैंने कहा जब कोई भी डाटा फिल करूँगा ना तो उस पर बॉर्डर ऑटोमेटिक लग के आएगा टेबल्स क्यों बॉर्डर। लगाया फिर वो? नहीं और मतलब टेबल्स बना के उसे सिंपल फॉर्मेट है, में कर टेबल्स पे दिया। डेटा एंट्री थोड़ी बीबी का तो एंट्री करेगा, टेबल कंसीडर थोड़ी करेगा। आईडी डेटा टाइम केवल यही सिंगल रो ली थी मैंने, कहा सोचा था देखिए मैंने। आपको क्या हाँ करना है, आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो कंडीशन फॉर्मेटिंग पे आइए, न्यू रूल्स पे आइए और आप जाइए फॉर्मूला पे, ठीक जी है। हाँ फॉर्मूला पे जाने के बाद आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और इसका ये हटा दीजिए, डॉलर डॉलर साइन हटा दीजिए, यहाँ दीजिए कि ग्रेटर देन 0 हो तो फॉर्मेट सेल पे बॉर्डर पे बॉर्डर लगा दे, ठीक है, जी देन ओके। और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से उठाइए फ्लिपबोर्ड में जाके, ठीक और एक एरिया तक पेंट मार दे, हो गया। अब जैसे टाइप करेंगे आप, ये ऑटोमेटिकली आपका कर देगा, बोर्ड लगा देगा। अच्छा ये गिनती करके दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है, आ गया पांच में बॉर्डर, ओके सर। ठीक है। एक बड़ा सा आप फॉर्म बनाइए, ठीक है। आप एक काम कीजिए, मेरा इंक्वायरी फॉर्म बनाइए, अगर मुझे कोई कॉल करता है कोर्स के लिए, इंक्वायरी के लिए, तो मैं उस पर डेटा एंट्री कर सकूं, एक फॉर्म बना के दिखाइए।